नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम मैन, आपके साथ मैं हूं कनिका। यूपी के शामली की बात करते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में जहां एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, वहीं एक पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल बताया जा रहा है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बदमाश को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मुठभेड़ में घायल बदमाश पर 8 से ज्यादा लूट, हत्या और डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस फरार बदमाश की धरपकड़ में जुटी हुई है और बदमाश के आपराधिक इतिहास को खंगालने में लगी है। नामन क्षेत्र में इनकाउंटर हुआ है सर बदमाशों, क्या पूरा मामला है सर? बीती रात तकरीबन 1:30 बजे का मामला है। इसमें थाना भवन क्षेत्र अंतर्गत रेती मोहल्ले में हमारी यूपी 100 की पीआरबी 3660 राउंड पे थी। उसी दौरान उसको लाल रंग की मोटरसाइकिल पे दो लोग, जिसपे नंबर नहीं थी मोटरसाइकिल पे, संदिग्ध अवस्था में दिखे। तो हमारी पीआरबी के दो जवान जो हॉस्पिटल में थे, उन्होंने उनको रोकने का इशारा किया, जिसपे वो भागने लगे। ये कादरगढ़ चरथावल रोड पे वो भागने लगे, जिसपे हमारी पीआरबी वाहन ने पीछा किया और साथ ही साथ थाने को खबर की। इस खबर पे पूरी फोर्स मौके पे आई और पीछा करना शुरू किया। वो लोग भागते रहे और भैंसानी मसावी रोड है, उस तरफ मुड़ गए। वहाँ पे एक भट्ठे से करीब 100 मीटर पहले उन्होंने बाइक को गिरा करके और आड़ लेकर के पुलिस पार्टी पे फायरिंग करने लगे। इसके जवाब में हमारी पुलिस पार्टी ने भी फायरिंग शुरू कर दी और तकरीबन 10-15 मिनट की जो फायरिंग चली, उसके बाद जब मामला पूरा शांत हुआ तो हमारी टीम ने सर्च अभियान किया और उसमें एक घायल बदमाश को गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश ने अपना नाम नवीन सनाब जगत सिंह, थाना सिखेड़ा, जनपद मुजफ्फरनगर बताया। उसको तत्काल वहां से ले जा करके CHC भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा था और वो मुजफ्फरनगर रिफ़र किया गया है। इसके जो पूछताछ में बात सामने आई थी कि ये तकरीबन 8 मुकदमे इस पे दर्ज हैं, हत्या के, लूट के, हत्या के प्रयास के, डकैती के, ऐसे मामले जघन्य अपराध इस पे दर्ज हैं। और कंकरखेड़ा, मेरठ और मुजफ्फरनगर के कई इलाकों में अपराध कर चुका है। शामली जनपद में संभवतः किसी बड़े उसके रेकी कर रहा था या अपराध की फिराक में था, जिसको हमारी पुलिस ने नाकाम किया है। इसके कब्जे से एक देशी पिस्टल, 4 खोखा कारतूस, 6 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसका एक और साथी अरुण था, जो अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग निकला है, उसकी तलाश की जा रही है। और इस पूरे वर्कआउट पे, पूरे क्रैकडाउन पे हमने अपनी पुलिस टीम को 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया है। सर, जो बदमाश पकड़ा गया है, ये भी बताया जा रहा है कि जनपदों में उस पर इनाम है, ये पता कराया जा रहा है। चूँकि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग प्रतीत हो रहा है, तो मेरठ और मुजफ्फरनगर से पता कराया जा रहा है कि इस पे 20,000 25,000 जो भी इनाम होगा, इसका डिटेल्स मंगाया जा रहा है, फिर आपको बताया जा रहा है।